महिला और पुरुष दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए। औरतें जो हैं अपने काम में समाज के तौर से अपना जो काम कर रही हैं, खेती बाड़ी, गोबर पानी, खाना बनाना, चूल्हा चौका, ये सब औरतें करती हैं, उन्हें ये शोभा देता है, ये मर्द को शोभा नहीं देता। पुरुष चूल्हा चौका, बर्तन, बच्चों का टिफिन और लैट्रिन साफ नहीं कर सकते। घर में चूल्हा खाना नहीं बना सकते, ना ही पोछा लगा सकते हैं, ना ही कपड़ा धो सकते हैं। लेकिन कुछ पुरुष होते हैं जो कि ये सब भी करते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। सामाजिक नियमों के तहत महिला क्या कर सकती हैं और क्या नहीं? वो शराब नहीं पी सकती, बिना पूछे जा नहीं सकती, जुआ नहीं खेल सकती, ताश खेल नहीं सकती, जमीन जायदाद बिना पूछे नहीं बेच सकती। एक पुरुष अपना खुद का बिजनेस कर सकता है और वे चौराहे पर दारू जो भी शराब वराब पी सकता है, वो अपनी मर्जी से जो धन संपत्ति जो भी खरीदना चाहता है, जो बेचना चाहता है वो कर सकता है। किसी से झगड़ा और चेतावनी दे सकता है, मार कर सकता है। औरतें तकलीफ में हैं तो मर्द को कभी चूल्हा चौका या कोई काम करना होता है तो करते हैं, तो समाज स्तर से उन्हें नीच दृष्टि देखते हैं कि ये तो औरतों का काम कर रहे हैं। क्या समाज में महिला और पुरुष का बराबर का दर्जा होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। पुरुष भी अगर इजाज़त दे तो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। अगर वो बाहर का काम कर सकते हैं तो स्त्रियां भी कर सकती हैं, पर समाज का नज़रिया अलग ढंग से देखता है।